तो दोस्तों आज फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद शाओमी ने अपना नया 5G स्मार्टफोन शाओमी 13 प्रो 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब शाओमी ने आपके लिए अपना नया 5G स्मार्टफोन शाओमी 13 प्रो 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें दोस्तों आपको बड़ी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, पावरफुल बैटरी के साथ शानदार न्यू ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देखते रहे, इस वीडियो में आपसे सी न्यू शाओमी 13 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। मगर दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल बुटीन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस न्यू Xiaomi 13 Pro 5G स्मार्टफोन में कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में एक 6.7 इंच की WQHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz सैम्पलिंग रेट, 1900 की नेट स्पीक ब्राइटनेस, HDR10 प्लस और HDR10 के सपोर्ट के साथ में आता है। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में काफी बेहतर पिक्चर क्वालिटी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आप आराम से फुल HD के साथ साथ 4K में वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्मार्टफोन में दिए गए परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको Snapdragon 8 Gen 2 का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जो लेटेस्ट Android 13 के साथ MIUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। यानी दोस्तों इस फोन में आप आराम से 5G के साथ साथ हैवी गेमिंग का भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस न्यू Xiaomi 13 Pro 5G स्मार्टफोन के रियर पैनल पर दिए गए कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों आपके स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 50MP का रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 50MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। रैम और स्टोरेज के लिए इस फोन में आपको सिर्फ 1 GB रैम मिलता है, जो 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस न्यू Xiaomi 13 Pro 5G स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप के बारे में, तो दोस्तों इस फोन में आपको 4820mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 120W की हाइपर चार्जिंग, 50W का वायरलेस टर्बो और 10W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस फोन में आपको 4G 5G डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5V जैक के साथ ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट मिलता है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस न्यू Xiaomi 13 Pro 5G स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस रेंज के बारे में, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन की 12GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 79,999 देखने को मिलती है, जिसे आप 10 मार्च दोपहर 12 बजे से Mi.com और Amazon से परचेज कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आपको ये न्यू Xiaomi Mi 13 Pro 5G स्मार्टफोन कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो दिखाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।